मेरी औकात बदलने की जिद आज मुझे यहां तक ले आई है। ये मेरा सपना था और आज मैं इसे जीने वाला हूँ आप लोगों के साथ। Another brilliant day. That's with you, beautiful people. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज राज यादव बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और आज मैं आपसे बात करूंगा, कुछ अनकही एक स्टोरी है, मतलब मैंने कभी बताया नहीं है किसी को भी, बहुत से मतलब लोगों को नहीं मालूम है और कुछ जिनको मालूम है वो मेरे बहुत क्लोज है उनको ही मालूम है। और बेसिकली ये बात ये है कि मैंने ये यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट किया, इसकी क्या वजह थी वगैरह वो सब। तो उसमें सिंपल सी बात थी कि मुझे एक दिन मतलब म्यूज़िक में इंटरेस्ट था और मैंने मतलब कॉलेज में मेरे ऑडिशंस थे, मतलब ऐसे ही एक नॉर्मल सा फेस्ट था हमारे कॉलेज का, तो उसमें ऑडिशंस थे और मैंने ऑडिशंस दिए और उधर मुझे ना उन्होंने ठीक से बताया कि आप रिजेक्ट हो, सिर्फ बोल देना चाहिए था कि हाँ आप रिजेक्ट हो, आप नहीं गा सकते यहाँ पे, तो चल जाता था। उन्होंने मुझे सुबह से मैं कॉलेज में गया था अराउंड 7 o'clock सुबह, और उसके बाद मैं शाम को 4:30 या 5 बज गए थे, तभी भी मैं उधर ही बैठा था, उन्होंने ना कुछ रिस्पांस दिया ना कुछ, तो इससे बहुत मतलब एक हेक्टिक फील आ जाता है, तो इससे मतलब एक कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो इसका वजह मैंने क्या किया, अगर मुझे ऑडियंस ही चाहिए तो मैंने सोचा कि इतनी बड़ी ऑडियंस है यूट्यूब पे, यार उनको फेस कर लूँ अच्छा लग जाएगा थोड़ा। तो मैंने एक तरह मैं अकेला पड़ गया था वो टाइम, ना कोई दोस्त था ना कोई था, मेरे साथ में घर आ रहा था। और मैंने उसी समय ठान ली कि मैं YouTube चैनल खोलूँगा और उन लोग को बता दूंगा कि हाँ कुछ तो बात है मुझ में, आपने क्या मालूम क्या देखा, पर हाँ मैं कुछ तो बता के दिखा दूँगा कि ये मेरी ज़िद है और मैं करके दिखा दूँगा। और वही ज़िद मैंने UIC में देखी। ये मेरा स्टेप, मेरा स्टेप, मैं नहीं करता मेरे वीडियोस में आजकल, ऐसे चेंज कैसा ले रहा था कि मतलब मेरे यहाँ पे चैनल पे जब ब्लॉगिंग की शुरुआत मैंने की, तो मैंने मतलब उनसे ये सीखा कि जब भी उनका WTV आता था मैं हर एक ब्लॉग देखता था, और बेसिकली उनके हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ चेंजेस होते थे, कोई नया कैरेक्टर आ जाता था कोई भी। और मोस्टली उनसे सीखने की ये मिलते हैं कि जो पॉजिटिवनेस है उनके कैरेक्टर्स में, उनके फैमिली में, वो आपको मतलब ना आपको मूड कैसा भी हो फ्रेशन अप कर देंगे चीज़ें। सो उससे मतलब बहुत अच्छी बात होती है कि मतलब एंटरटेन तो हो ही जाता है बंदा, बट अगर दिन में कुछ भी हो जाए तो वो उससे बाहर आ जाते हैं फटाक से। और उस टाइम मैंने वही किया। डिसलाइक्स आर जस्ट फाइनाइट डिसअपॉइंटमेंट्स, बट वॉट आई कैन अचीव विद माई ब्लॉग्स एंड माई वीडियोज इज इनफाइनाइट होप। ऑन अ सीरियस नोट, मतलब जो मतलब डिसलाइकर्स है, उन डिसलाइकर्स है, हेटर्स है, जो भी है, आई जस्ट डोंट केयर, बिकॉज मैंने दादा से एक ही बात सीखी है और वो कहते भी है, हर बार कहते हैं कि हेटर्स और डिसलाइकर्स पर ध्यान मत दो, अपना काम करो। ये मतलब मेरे दिमाग में फिट है और फोकस्ड है। और मेहरबानी तो बारिश की है बाबा, बारिश नहीं आई है थैंकफुली, तो मतलब तो ये बना पाए, ये तो मुश्किल बात है भाई। और ये साउंड वगैरह, बैकग्राउंड साउंड जो आ रहा है वो, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आउटडोर्स में हूँ, मैं किसी को मतलब ब्लेम नहीं कर सकता, वो अपना अपना काम कर रहे, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बस मुझे एक छोटा सा मैसेज देना था, बस मैंने कर दिया, अब देखते आगे क्या होता है। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।